हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है इफ़ वाई इक्वल टू अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक है, और हमें प्रूफ करना है प्रूफ डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन। ये फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन दे रहा है इफ़ वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस प्लस ई के पावर एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक दिया है, और हमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई वाई बाई वन माइनस वाई। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इफ वाई इक्वल टू टेन एक्स के पावर टेन एक्स के पावर टेन एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, तो प्रूफ डैट डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू फोर पर। ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाई इक्वल टू दे रहा है साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक दे रहा है। ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है, सिंपल वाई इक्वल हमें क्या करना है, बस साइन एक्स प्लस वाई वाई तक हमें बस करना है। साइन एक्स प्लस ये कितना भी हो, साइन एक्स प्लस वाई ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे वाई इक्वल साइन एक्स प्लस वाई, इसके पावर में वन बाई टू है ना, तो ये हो गया। अब ये वन बाई टू इधर आएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई। अब इस वाई को इधर लाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी डी एक्स वाई इक्वल डी डी एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, यह है साइन एक्स साइन। अब ध्यान दीजिए, इसका हो जाएगा टू वाई पर टू माइनस वन, चूँकि डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, तो ये हो जाएगा एन के जगह पर टू है तो टू, एक्स के जगह पर वाई है तो वाई, और ये हो जाएगा टू माइनस वन, लेकिन यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स का कोस एक्स, टू वाई हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कोस एक्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स टू वाई माइनस वन, वन बचेगा यहाँ पे, वन ही तो बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स, और ये इंटू में इधर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू वाई माइनस वन, ये हमारा हो गया प्रूफ। तो हेंस हेंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था हमें, यही तो करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है इफ वाई इक्वल एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक दिया है, तो हमें प्रूफ डेट करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई वाई वन माइनस वाई। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है वाई इक्वल ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्व, देखिए वाई इक्वल ई के पावर हम इसको एक्स प्लस वाई मान लेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई तक हम इसे लिमिट में रखेंगे,
तो एक्स प्लस वाई हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके दोनों तरफ नहीं, अब इसको क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए यहाँ पे, हम इसके दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा लॉग वाई इक्वल लॉग ई के पावर एक्स प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा लॉग एम के पावर एन, तो ये होता है एन लॉग एम होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल एक्स प्लस वाई लॉग ई, लॉग ई इक्वल वन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल एक्स प्लस वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स लॉग वाई इक्वल डी डी एक्स एक्स प्लस डी डी एक्स वाई। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, तो ये वाई है तो ये वाई हो जाएगा डी वाई बाई एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल इसका हो जाएगा वन, और इसका हो जाएगा वन प्लस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, इधर लेके आएंगे डी वाई बाई डी एक्स को, तो ये हो जाएगा वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वन। अब ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा वन बाई वाई माइनस वन इक्वल वन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको करेंगे तो वन माइनस वाई ये हो जाएगा वाई इक्वल वन, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा वाई और ये नीचे आ जाएगा, तो वन माइनस वाई, इसके बटे में कुछ नहीं तो देखा है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा। यही तो प्रूफ करना था हमें, यही ना करना था प्रूफ डेट डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई वन माइनस वाई, तो ये आ गया हमारा हेंस हेंस प्रूव्ड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीन नंबर बोल रहा है इफ वाई इक्वल टू टेन एक्स के पावर टेन एक्स के पावर टेन एक्स इन्फिनिटी तक किया गया है, तो हमें प्रूफ डेट डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू फाइव बाई फोर पे, ध्यान दीजिए तीन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या है कि y इक्वल टेन एक्स के पावर टेन एक्स के पावर टेन एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी तक क्या है ये, तो हम क्या करेंगे इसका, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस सॉल्व y इक्वल टेन एक्स के पावर y, बस y ले लेंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग टेन एक्स पावर वाई, ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल, ये हो जाएगा वाई लॉग टेन एक्स लॉग एम पर एन एन लॉग एम, वही वाला है यहाँ पे एन लॉग एम, तो ये हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब देखिए ये हो जाएगा टी डी एक्स लॉग वाई इक्वल टी डी एक्स वाई लॉग टेन एक्स, टेन एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, डी डी एक्स
एफ एक्स इंटू जी एक्स होता है डी एफ एक्स डी डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डी डी एक्स एफ एक्स होता है। तो यही नियम हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लॉग वाई, तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, तो वो एक्स जब वाई है तो ये वाई हो जाएगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे वाई है तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई बाहर हो जाएगा एफ एक्स और ये जी एक्स के रूप में है। ध्यान दीजिए ये एफ एक्स बाहर हो गया डी डी एक्स एफ एक्स जी एक्स जब लॉग एक्स लॉग टेन एक्स है तो लॉग टेन एक्स प्लस लॉग टेन एक्स डी डी एक्स वाई वन बाई वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये हो गया वाई और लॉग लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, लेकिन एक्स के ऊपर टेन एक्स है तो वन बाई टेन एक्स इंटू एक्स के ऊपर टेन एक्स है तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा टेन एक्स प्लस लॉग टेन एक्स और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है तो हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस ये हो जाएगा लॉग टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए इसको इधर लाएंगे तो वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा माइनस लॉग टेन टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स। अब ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कॉमन ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो हो जाएगा वन बाई वाई माइनस लॉग टेन एक्स इक्वल वाई सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स और एलसीएम ले लेंगे वाई तो हो जाएगा वाई और वन यहाँ पे वन हो जाएगा वन माइनस वाई टेन लॉग टेन एक्स लॉग टेन एक्स इक्वल वाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स। अब देखिए अब इसको ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा टेन एक्स वन माइनस वाई लॉग टेन एक्स ये हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में दे रहा है कि प्रूव डैट डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू फाइव बाई फोर पे, तो एक्स इक्वल टू फाइव बाई फोर पे तो जगह डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू फाइव बाई फोर तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव बाई फोर टेन फाइव बाई फोर वन माइनस वाई लॉग टेन फाइव बाई फोर टेन फाइव बाई फोर का मान होता है वन फोर का मान वन होता है तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव बाई फोर फाइव बाई फोर का इसका होता है वन बाई नहीं इसका होता है अंडर रूट में टू सेक पाई बाई फोर का होता है
अंडर रूट में 2, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा वाई इंटू टू, वाई स्क्वायर इंटू टू, और इसका हो जाएगा 1, 1 माइनस, इसका हो जाएगा वाई लॉग 10π/4 का 1 हो जाएगा। यह हो गया। अब इक्वल ध्यान दीजिए, अब 2y² 1 1 माइनस, ये देखिए y, तो y इंटू लॉग 1 का मान 0, यानी ये हो जाएगा हमारा 2y² और 1 से 1 करेंगे इंटू तो कुछ नहीं होगा, और ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा हमारा 2y². Hence proved.